नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि वंशी आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, बहुत सारे साथियों ने कमेंट करके मुझे पूछा कि HAL कानपुर का अप्रेंटिस का कब आने वाला है मेरिट लिस्ट। तो बिल्कुल आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कब तक इसका मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा कैसे, और क्या या अदर प्रोसीजर हैं जो हमको फॉलो करने हैं। तो दोस्तों, वीडियो तो ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल ये सारे स्टेप्स आप फॉलो कीजिएगा। बिल्कुल डेफिनेटली जो भी इच्छुक हैं इस अप्रेंटिस एक्ट के लिए बिल्कुल ईगरली वेट कर रहे होंगे उस डेट का जिस दिन मेरिट लिस्ट आएगी। तो दोस्तों, जैसा कि इस में देख रहे हैं आप, ये 6 जुलाई को नोटिफिकेशन आया था और इसके लिए आप सब लोगों ने अप्लाई किया था। और ये देखिए, ये सारे डिसिप्लिन के एस्पायरेंट्स मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, सिविल से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, केमिकल, कंप्यूटर, एरोनॉटिकल, AME वालों को भी इसमें मतलब लागू किया गया था। 50 साल का बीटेक प्रोग्राम किए हैं तो बिल्कुल वो आ सकते हैं, या 3 साल का डिप्लोमा भी किए हैं किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से तो वो लोग आ सकते हैं। लाइब्रेरी साइंस वालों के लिए भी जगह निकली थी। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इसमें बहुत सारी वैकेंसीज आई थी जिनको ट्रेनिंग दी जानी है, और जो स्पेशली फ्रेशर्स हैं 20 के, 21 के और 22 के, उन सब के लिए ये है। और साथ साथ में जो अभी प्री यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी में बैठे हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो फाइनल ईयर में हैं उनने अप्लाई भी किया था, और इसके लिए जो एज रखी गई थी 18 से 26 रखी गई थी, और आपने इसके लिए अप्लाई भी कर दिया। MHRD की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के बाद में आपने इसके सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ में आपने ये जमा कर दिया। अब बात आती है कि जुलाई गए हुए गुजर गया, अगस्त भी जाने वाली है और अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं आई है, तो कब तक आएगी? तो बिल्कुल दोस्तों, मैंने HAL कानपुर में बात की, उनके जो नंबर दिया गया था उस पर, तो एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई देम जो मेरिट लिस्ट है वो 2nd वीक ऑफ सितंबर में डिक्लेयर होगी। वो ऑनलाइन नहीं होगी, इतना ध्यान रखिएगा। वो मेरिट लिस्ट वो लगाएंगे और उसके साथ आपको स्पीड पोस्ट से आपको भेजा जाएगा। आपने जो मोबाइल नंबर मेंशन किया है फॉर्म में, उस मोबाइल नंबर पर आपको इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी जाएगी कि आप शॉर्टलिस्टेड हुए हैं कि नहीं। तो मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, ऑनलाइन इसकी मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, ऑफलाइन मोड में आएगी और आपको स्पीड पोस्ट से इंगित किया जाएगा 2nd वीक ऑफ सितंबर। तो बहुत ही गुड न्यूज़ है उन सब साथियों के लिए जो ईगरली वेट कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको वो नंबर भी दे देता हूँ जिस नंबर पर मेरी बात हुई थी, आप भी इनसे बात कर सकते हैं। देखिए, यहाँ नंबर दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर 0512-245-8752। इसमें आप 9 से लेकर 4 बजे के बीच में बात कर सकते हैं, और शनिवार को 9 से 12 के बीच में। तो अभी लेटेस्ट में जब मेरे एक अपने सब्सक्राइबर हैं, उनने मेरे से कहा कि सर, हम बहुत परेशान हैं और अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं आ रही, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कॉल किया, कॉल के बाद में ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास में आई है कि 2nd वीक ऑफ सितंबर में मेरिट लिस्ट आपको आ जाएगी। वो भी ऑनलाइन मोड में नहीं आनी है, डायरेक्टली आपको स्पीड पोस्ट से भेजी जाएगी। और जैसे ही ये मेरिट लिस्ट आती है आपको इमीडिएटली रिपोर्ट करना है, क्योंकि इसकी जो ट्रेनिंग है दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट बाई सेप्टेम्बर एंड। तो बिल्कुल साथियों, जितने भी हैं, जितने भी सिलेक्टेड इसमें हो जाएंगे, उनको तुरंत सारे डॉक्यूमेंट के साथ में एक पुलिस वेरिफिकेशन भी अपना करा के लेके जाना है और कानपुर में रिपोर्ट करना है। इसलिए यहाँ पे देखिए, क्लियरली मेंशन कर दिया गया था कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आपका है उसको वैलिड रखना है आपको। इसलिए वैलिड कहा गया था कि इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो ऑनलाइन नहीं प्रकाशित होने वाली और आपको डायरेक्टली कांटेक्ट किया जाएगा वाया ईमेल। तो दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। मोबाइल नंबर, ये नंबर आपने बिल्कुल नोटिस कर लिया होगा, इस पर आप दोबारा से आप खुद अपनी कंफर्मेशन के लिए भी कॉल कर सकते हैं। अन्यथा मैं आपको बता रहा हूँ 2nd वीक ऑफ सितंबर में मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन उन सब साथियों को जो बिल्कुल इसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाया था अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, जो बिल्कुल काफ़ी उनके ईमेल्स भी मुझको आए और व्हाट्सएप भी आए। तो आई होप थोड़ा सा उनको अब होप बनेगा कि बिल्कुल अब बहुत ही हमारा जो टारगेट था बहुत नज़दीक है। तो दोस्तों, अपने आप को तैयार कर लें, और से गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन जो भी ग्रेजुएट हो रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि HAL की 1 साल की ट्रेनिंग आपको अपने फील्ड में बहुत आगे पहुंचा देगी। ज़्यादातर जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो इस 1 साल के एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा
मतलब वेटेज देती है। तो आप अगर कोर इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइक फॉर एरोनॉटिकल एयरबस वगैरह में जाना चाहते हैं, तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इजीली उसका हिस्सा बन सकते हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में जाना चाहता है उसके लिए भी अच्छा फील्ड है, मैकेनिकल फील्ड में जाना चाहता है उनके लिए अच्छा फील्ड है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जो नए हैं वो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, और अगर कोई और डाउट हो तो बिल्कुल फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। सी यू ऑल द नेक्स्ट सेशन, टिल देन हैव अ नाइस डे।